ओनली कॉम्पिटिशन सोरो जोशी, नो अदर कॉम्पिटिशन। ऐसी रोमांटिक सी जगह पे लड़के के साथ आया हूँ गाइस। अपना जिंदगी को जियो यार। ओ भाई। तो हेलो गाइस, हम आ गए हैं कनॉट प्लेस में। देखो इस तरह का नजारा यहाँ पे। दीपक पहली बार कनॉट प्लेस आया है, तो कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पे। गाने चल रहे हैं यहाँ पे, कोई भी आ सकता है क्या? हम भी ट्राई करें। देखो गाइस, लाइफ में कौन बने तो ऐसा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस। और भैया कैसे हो? बढ़िया। आपका इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? बस करते करते यार, टीवी में देखते हैं लोगों को। अच्छा। अपना एंजॉय करो। सोचने डरने से क्या होगा कि लोग क्या सोचेंगे यार, करते रहो। लोगों का हमें सोचना सोचते रहेंगे और आखिर में बात उसी की मौज में रहना है। अपना जिंदगी को जियो यार, बस दो पल जी रही है। कल क्या हो क्या मरो, तो नौकरी करते करते मरो या डांस करते करते मरो, लेकिन घर पर मत मरो। क्या नाम आपका? अरे कहाँ गया दीपक? ये देखो भाई, ये होता है कॉन्फिडेंस। सो हेलो गाइस, हम आ गए हैं सेंट्रल पार्क के अंदर, सीपी के सेंट्रल पार्क के अंदर आ गए हैं। यहाँ सीपी यानी कनॉट प्लेस, और स्पेलिंग ढंग से याद कर लेना, बहुत कठिन स्पेलिंग है भाई, अच्छे से याद नहीं हो पाती। तो देखो अभी हम अंदर चल रहे हैं, देखते हैं। देखो फुहारा वुहारा चल रहा है यहाँ पे सिस्टम, ये पापड़ वाले भी मिल जाएंगे यहाँ पे। तो देख सकते हो गाइस, ये है सेंट्रल पार्क, सीपी का सेंट्रल पार्क कुछ इस तरह का। यहाँ पे काफ़ी अभी जो G20 का समिट होने जा रहा है, उससे पहले इसको सजाया गया था। यहाँ पे G20 मीटिंग के लिए इसको सजाया गया था। जिस तरह का यहाँ पे व्यू है, ये देखो गाइस। अरे भाई साहब, यहाँ पे तो पानी के, हमारा मोबाइल वाटर प्रूफ नहीं है भाई। ये देखो दीपक फुहारे का आनंद उठा रहा है, और अभी यहाँ पे लाइटिंग वगैरह भी होगी। क्या ही दिखाऊं यार यहाँ पे व्लॉग में, हैं? राजपूत। ये देख लो गाइस, राजपूत। ये जो है सी काना, ये सेंट्रल पार्क का एम्फी थिएटर है, ठीक है। स्पेलिंग में बहुत आर्ट है इसकी। तो यहाँ पर जो है मतलब कि प्रोग्राम वगैरह होते हैं। फिलहाल तो प्रोग्राम अभी जो है बाहर हो रहा है, न्यूज़ 18 वालों का प्रोग्राम हो रहा है, भैया जी कहीं वाला। यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, यहाँ पर आप जो है गिटार जो कुछ लोग बजाते हैं ना, कुछ परफॉर्म वगैरह करना होता है, यहाँ पर कर सकते हो। दिखा दे आस पास का, दिखा दे कुछ इस तरह का, पूरा घुमा दे। ऐसी रोमांटिक सी जगह पे लड़के के साथ आया हूँ गाइस, इतनी बुरी किस्मत है मेरी। चलो जिसको लड़की समझ के घूम लेता इसके साथ, आ जा आए तेरे खूब चुपे चलता हूँ। ये जो सेंट्रल पार्क बना हुआ है ना, जो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के ऊपर बना हुआ है, ठीक, मतलब कितना एक अमेजिंग आर्किटेक्चर का पूरा एकदम, मतलब कितना औसम चीज़ है। मतलब मेट्रो स्टेशन इसके ठीक नीचे है राजीव चौक का,
जो स्ट्रक्चर दिखाया था ना मैंने तेरे को बोला था इसको ध्यान से देखियो, वो इसी के ठीक नीचे बना हुआ है। अब मैं फिलहाल सोच रहा हूँ कि मैं पूरा इंडिया ट्रैवल करूँ, बहुत ही बड़ा डिसीजन लेने वाला हूँ मैं अभी, ठीक है। तो मे बी अगर मे बी ये पॉसिबल हो या ना हो, पर प्लानिंग तो मैं ऐसी कर रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। अगर किसी को मेरे साथ करना हो ट्रैवल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करेंगे, ठीक है, वो भी बहुत कम कॉस्ट में, मिनिमलिस्टिक कॉस्ट में बिल्कुल ट्रैवल करेंगे इंडिया में पूरा एंट्री, और उसके बाद हो सकता है हम किसी अदर कंट्री में भी ट्रैवल करेंगे। तो अगर किसी को करना हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट करना, कमेंट वगैरह कर देना, मैं आपको मैसेज वगैरह करूँगा, ठीक है। हेलो गाइस, ये देखो सेंट्रल पार्क के अंदर फवारा चल स्टार्ट हो गया, मतलब वाटर क्या बोलते हैं इसको, फाउंटेन शो चालू हो गया, और ये पानी वानी छिड़क रहे हैं, मतलब पानी वानी की गुजार कर रहे हैं, और खाने वाने का सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। अभी जो है वहाँ पानी यहाँ तक फेंक रहे हैं, ओ भाई यहाँ पे नहीं आ रहा पानी, क्या जाल से जाल इतना सन्नाटा कैसे हो गया भाई। अगर यहाँ पे छेद हो जाए ना तो मेट्रो के अंदर पानी आ जाएगा यहाँ। चलो जाओ सब लोग अपने अपने घर जाओ, 50 रुपए में इतना इंच मिलेगा। चलो भाई भाई चलो अपने अपने खत्म, खेल खत्म हो गया, 50 रुपए में इतना इंच मिलेगा। क्या कह रहा दीपक, अब बोलियो क्या कह रहा था। मेरा गिफ्ट, तेरा गिफ्ट, तेरे को यहाँ पे कनॉट प्लेस घुमाने लाए हैं, गिफ्ट से कम है भाई। देखो आज मतलब हम इसके बर्थडे के उपलक्ष्य में आए थे, यानी कि मैं इसके बर्थडे पे इससे मिल नहीं पाया था क्योंकि मैं कहीं और गया हुआ था कोई किसी बहुत ज़रूरी काम से, तो इसीलिए आज हम मिले और आज हम आ गए घूमने के लिए। तो पहली बार इसको मैंने आज मेट्रो में बिठाया, कैसा लगा मेट्रो में बैठ के पहली बार। बढ़िया लगा है। भाई के चेहरे पर लगी मुस्कान थी जब भाई बैठ के आ रहा, ए मामा हिल क्यों रही है। अबे भाई मेट्रो है मतलब हिलेगी नहीं क्या है, वो थोड़ी है कि मतलब क्या बिल्कुल ही बिना मोशन लेस करके उड़ जाए, उड़ के चली जाएगी। पर एक अलग ही एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम मेट्रो में बैठने का दीपक का। ना हो के भी करीब था, हमेशा पास था, कि 100 दफा भी देखता मैं तेरा रास्ता, जिस्म का हर रुआं तेरे हवाले कर दिया, आगे की लाइन साथी नहीं मुझको, कमेंट कर देना। ये गाइस अब देखो लाइट वगैरह भी ऑन हो चुकी है, बाकी उधर अरे हमारा तिरंगा झंडा किधर गया। अच्छा शायद उसको उतारा गया होगा मेरे ख्याल से, मतलब धोने वगैरह के लिए, या फिर हो सकता है बरसात में उतार देते हैं तिरंगे को, शायद ऐसे कुछ नियम होगा, काफ़ी सारे नियम है, मेरे को इसको अभी ज़्यादा जानकारी फिलहाल है नहीं। चल दीपक तेरे को आज बर्थडे गिफ्ट दे रहा हूँ मैं, एक आज तेरे को पिरामिड ऑफ गीजा घुमाता हूँ। ये देखो गाइस हम आ गए पिरामिड ऑफ गीजा, देखो सस्ते में बढ़िया का मजा। मच्छू पाचू नहीं है क्या, मच्छू पाचू क्या बोलते हैं इसको। भाई वर्ल्ड्स ऑफ वंडर है ये, 7 वर्ल्ड्स ऑफ वंडर में से एक। ये देख लो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं व्लॉग्स में। गाइस पैंक हो गया हमारे साथ, अभी हम पूरा घूम के आए हैं, हम सोच रहे इधर से एग्जिट होगा, यहाँ पे भी क्लोज है, अब आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से आगे से एग्जिट होगा। जब भी मैं सीपी में आता हूँ ना, मतलब यार कई बार आ गया मैं सीपी के सेंट्रल पार्क में, लेकिन एंट्री और एग्जिट के गेट में इतना कन्फ्यूजन हो जाता है ना, मतलब कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैं जल्दी से मतलब एग्जिट कर लिया या फिर जल्दी से एंट्री कर लिया, हमेशा मेरे को घूम के आना पड़ता तब जाके मेरे को एंट्री का गेट मिलता है। हालांकि अब की बार मैं पूरी पहचान करके जाऊँ कहाँ से एंट्री करना और कहाँ से एग्जिट करना। तो ये देखो ये मिल गया हमको एग्जिट गेट, और मेट्रो का राजीव चौक का जो गेट नंबर 5 है ना, वहाँ से आपको ऊपर चढ़ना है और वहाँ से ही जेबर क्रॉसिंग है। ये देखो आपको सीपी घुमाऊंगा आज रात में, रात का नज़ारा देखो ना सीपी। ओ भाई साहब
कंपनी अपनी क्या है, बस एक तरह से मतलब मॉडल टाइप रखा हुआ है फोटो खिंचाने के लिए। यही गाना ना भाई साहब मैंने एक बार अपनी फ्रेशर पार्टी में गाया था अपनी गर्लफ्रेंड के, बहुत मस्त गाना है। सीपी का नाइट का व्यू देखो तुम, मार्केट प्लेस की भरमार है यहाँ पर, कैन फाइंड एनी स्टोर हियर। भाई एक स्टेप और कर दो, वाह कॉन्फिडेंट, एक पौवे चढ़ाने के बाद ऐसी कॉन्फिडेंस आता है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाली खाते हैं हम वाली, भैया वाली है क्या, एकदम आम टाइप में जो होती है, कितने की है, आम रस, अच्छा आएगा आइसक्रीम, एक ले लूँ एक है, चलो एक दे लो, तो किसका पता नहीं खाए ना खाए, एकदम आम आइसक्रीम यार बात अलग है, मतलब है नहीं क्या, यही है आम रस, पकड़ो थोड़ा इधर डाल दो ठीक है आइसक्रीम में, भैया मेट्रो स्टेशन में लेके घर से जाना है, चलो टेस्ट करो हमारा बर्थडे गिफ्ट है, कहाँ पे जल्दी टेस्ट कर, कैसी है, अच्छी है, चल तो आ जा। ये देखो गाइस मैंने भी आइसक्रीम ले ली, जो 15 रुपए बचे थे ना 50 में से, उनमें से मैंने ये ले लिया ऑरेंज वाली, और इसका जो टेस्ट है ना वो एकदम अच्छा है, मतलब भाई टोटल बर्फ है, इसमें पल्प टाइप कुछ भी नहीं है, ये वाली जो है मैंगो पल्प वाली है, टेस्ट करिए एक बार, टेस्ट करिए थोड़ी, इसे खाने से लग रहा है मतलब तो आम है ना आम, उसको मतलब फ्रीजर में रख दिया हो और उसके बाद खा रहे हैं, ये वाली है फ्लेवर्ड, बस पानी है उसमें ऑरेंज का फ्लेवर गुजेड़ दिया पर कोई बात नहीं, जलाने के लिए तो काम आएगी, लोगों को जलाने के लिए आज हम उन लोगों को जला रहे हैं आइसक्रीम खा खा के, जो हमारे साथ आने वाले थे पर नहीं आए। ये देखो गाइस किसी दूसरी कंट्री से आए शायद, दे आर फॉरनर्स, आई लाइक देम। दीपक पूछ रहा है जो दूसरी कंट्री से होते हैं इतने लंबे क्यों होते हैं, उनमें से केवल बॉयज ही लंबे थे, जो गर्ल्स थी ना वो शॉर्ट थी। अब देखो सीपी के अंदर बैठ के बिलोंग करना आसान नहीं, सब हमको देख देख के जा रहे हैं, तो हम कैसे देख रहे हैं कि जैसे हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो सब हमें पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि लेकिन बेचारे 5-6 सेकंड तो देखते हुए जा रहे हैं पर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि है कौन से यूट्यूबर ये। कोई नहीं गाइस अभी हमारा स्ट्रगल चल रहा है, करंटली वी आर सफरिंग, बट वन डे विल क्रॉस। सौरव जोशी ओनली कॉम्पिटिशन, सौरव जोशी नो अदर कॉम्पिटिशन। तो फाइनली गाइज हम आ गए हैं जूस पी रहे हैं, देखो हमारा भी लोग एंड कर रहे हैं, मतलब अभी हमने जो है ब्रेड खाए थे पनीर ब्रेड, और उसकी वीडियो हमने बनाई नहीं कि हम ना चिढ़ाने के लिए बना रहे किसी के लिए, ठीक है, और जिसके लिए बना रहे हो समझ जाए, कैसा लग रहा है, मस्त। ठीक है गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, सी यू लेटर। ਸਟਰ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਦੇਖ ਵਹਿਰੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਦਾ ਬਾਬਾ ਬਿਨਾ ਹੀ ਤਲਾਵਾਂ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਡੀ ਚਾੜਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਣ।